हेलो दोस्तों, स्वागत है तुहाडा भारतीय लोकतंत्र दीआं समस्यावां अते चुनौतियां दे अगले वीडियो च। ते अज दा टॉपिक है साडा संप्रदायवाद। संविधानक तौर ते असीं देखदे हां कि भारत इक धर्म निरपक्ष राज है ते मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स भी सारे नूं है कि वो किसी भी धर्म नूं अपना सकदा है, उसका प्रचार प्रसार कर सकदा है, उहदे लई एजुकेशन संस्थावां खोल सकदा है। पर फिर इस संप्रदायिकतावाद की चुनौती है, की समस्या है साढ़े देश के विच। इसमें जानने लिए सब तो पहले सानू जानना पड़ेगा कि साड़ा देश जिहड़ा है बहु धार्मिक बहु लिंगुअल यानी कि भाषाई तो बहु संस्कृति का देश है। तो संप्रदाय अलग अलग संप्रदाय जिहड़े कि अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। अगर भारत दे विच गल करदे तो कि संप्रदाय के लोग रहिंदे ने, तो सब तो ज़्यादा आबादी हिंदू संप्रदाय नाल तालक रखने वाले लोग हैं, फिर मुस्लिम संप्रदाय के लोग ने, क्रिश्चन संप्रदाय के, सिख संप्रदाय के, बुद्धिस्ट लोग ने, जैनी लोग ने, जैनिज्म नूं मनण वाले लोग ने। तो ये सारे लोग ने और सबनों धार्मिक तौर पर संविधानक तौर पर सारे धर्मों नूं मनण का अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है कि भी कोई भी बंदा भी किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई भी किसी पर रोक टोक नहीं। पर फिर भी संप्रदायिकतावाद क्यों? तो इस चीज़ को समझने लिए पहला संप्रदायवाद होंगे कि इस चीज़ को समझना पड़ेगा। संप्रदायवाद बेसिकली एक छोटी सोच है, सौड़ी भावना है जिसके तहत कोई भी समुदाय अपने राजनीतिक आर्थिक और समाजिक स्वार्थों की पूर्ति करने लिए ते दूजे संप्रदाय दे लोगों के हितों नूं अणगौले करते हुए, राष्ट्र के हितों नूं अखियों अणगौले करते हुए अपने धर्म नूं श्रेष्ठ दसदा है। अपने धर्म नूं श्रेष्ठ दसदे हुए दूजे दे धर्म नूं नीवां दसदा है, खंडन करदा है, दूसरे नूं भ्रष्ट दसदा है। तो इस दे नाल हुंदा की है कि जिन्हां दे धर्मां नूं नीवां दसा जांदा है, भ्रष्ट दसा जांदा है, झूठा दसा जांदा है, उहनां दे ते दूसरे धर्मां दे लोग उहनां दे धर्मां 'च आपस 'च की हुंदा, आपसी नफरत पैदा हुंदा है। तो इस दे नाल नाल धार्मिक कट्टरता वधदी है। तो कुछ शब्दों असीं कह सकते हैं कि धार्मिक जिहड़ी कट्टरता है, जिहड़ी छोटी भावना है कि मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, मेरा धर्म ही वधिया है, दूसरे का धर्म वधिया नहीं है, तो यही एक मुक्ति का मार्ग है। ये इदां दी भावना रखते हुए जदों असी अपने राजनीतिक आर्थिक ते समाजिक स्वार्थों की पूर्ति लई इन्हां छोटी भावनावां दा इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने हित लई और चंद लोगों के हित लई, या अपने सिर्फ अपने संप्रदाय के हित लई और राष्ट्र के हित में जो असी ताकते रख दें, तो फिर ये संप्रदायिकतावाद अखाता है। अदरवाइज तो सारे संप्रदाय के लोग बराबर हैं, सारे संविधानक तौर पर भी धर्म अपने धर्म को मनने का अधिकार है। पर संप्रदायिकतावाद की है कि दूसरे को नीवां दसना, अपने को श्रेष्ठ दसना और अपने धर्म के फायदे लिए या अपने फायदे लिए धर्म के नाँ का इस्तेमाल करना, उस तो राजनीतिक आर्थिक ते समाजिक फायदा लेना। अगर संप्रदायवाद की गल करिए तो यह साढ़े देश से इसने किस तरीके माड़ा असर पाया, इसका इतिहास गवाह है। ज़्यादा दूर ना जाते हुए सिर्फ अंग्रेजों के टाइम तो असं गल करते, अंग्रेजों ने भारत के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, वंडो अते राज करो, जिसके तहत अलग अलग धर्मों के लोग ने अपनी अपनी पार्टियां बनाईया, अपने अपने दबाव समूह बनाए, मुस्लिम लीग बनया, हिंदू महासभा बनया, इस तरीके नाल होर भी संस्थावां बनिया। जे आज़ादी तो बाद की गल करते हैं तो सिर्फ 1960 तो लैके 1984 तक तकरीबन 12,000 संप्रदायक दंगे हुए सन। इस तो अलावा 1992 संप्रदायक दंगे हुए, 2002 संप्रदायक दंगे हुए, 2008 उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र च दंगे हुए, 2013 मुजफ्फरनगर का दंगा बड़ा फेमस दंगा होया जिस 50-60 लोग तकरीबन मारे गए, तो 50,000 तो उपर लोग जोड़े है घरों बेघर हो गए थे। और कौन भुल सकता है 84 के दंगे, 2002 के दंगे, गुजरात के और पंजाब और दिल्ली के जोड़े सिखा का नरसंहार होया, और 2002 जो मुसलमान का नरसंहार होया धर्म के नाते, इसनों कौन भुल सकता है। तो यह एक ब्रीफ सी कि संप्रदायिकतावाद हुंदा की है। फिर एक बार इस कंक्लूड करूंगा मैं कि संप्रदायिकतावाद हुंदा है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ दसदा, दूसरे धर्म का खंडन करना और उस चीज़ तो अपने राजनीतिक आर्थिक समाजिक स्वार्थों की पूर्ति करनी, अपने सारे हितों उपर रखना, तो देश के दूसरे संप्रदाय के लोगों के हितों दूसरे हितों ताकते रखना या अखियों ओले करना।
क्लियर है। चलते हैं फिर आप बढ़ते हैं इस टॉपिक से आगे। संप्रदायिकतावाद, संप्रदायिकतावाद एक सौड़ी भावना है। संप्रदायिकतावाद राही कोई भी समुदाय अपने राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक स्वार्थ की पूर्ति लिए दूजिया संप्रदावान धर्मां ते देशां दे हितां नूं ताकत रखते हुए अपने धर्म नूं सब तों वधिया दस के दूजिया दे धर्म की आलोचना करके वख वख धर्मां ते समुदायां विच नफरत पैदा करता है ते जिस करके लोगों के धार्मिक कट्टरता नफरत अविश्वास वधदी है, देश दे विच अशांति वधदी है, लोगों का चरित्र डिगदा है, नाल नाल लोगों दे नाल नाल देश का चरित्र भी डिगदा है। यह है संप्रदायिकतावाद। अगे चलते हैं देखो किस तरीके नाल अलग अलग घेरे के बंधे लोग ने कि भी एक संप्रदाय मनने वाले वो दूसरे संप्रदाय मनने वाला एक तरह का समुद्र जिहड़ा समुद्र विशाल हुंदा है लेकिन छप्पड़ जिहड़े हुंदे बड़े छोटे हुंदे ने जिस दे विचों पानी का कोई निकास ना होवे प्रॉपर फ्लो ना होवे ते गंध बदबू आन लग पैंदी है। इस तरीके नाल ही ये जिहड़ा है गेटवाइजम है जिहड़ा अलग अलग संप्रदाय जिहड़ा जदों उहदा मेन आइडियोलॉजिकल जिहड़ा आस्पेक्ट उसनूं भुल के जदों सैल्फिश निश्चित असीं आ जाने तो इस तरीके नाल धर्म जिहड़ा एक रूप या एक संप्रदायक रूप धारण कर लैंदा है। अगे चलते हैं किस तरीके नाल धर्म के नाते दंगियां दा आह्वान करते हुए उस तो बाद ये देखो ये भी दंगे च संलिप्त लोग है जिहड़े कमन राइट्स हो रहे इंडिया च ये कुछ पिक्चर्स है तुसीं देख सकते हो। अगे चलते हैं देखते हैं किस तरीके नाल चित्र रिप्रजेंट करता है। गुजरात दंगे की बड़ी फेमस फोटो हुई सी और जो कि देखो किन्नी चेहरे तो जाहिर हुंदा किस तरह मुसीबत से घिरिया है तो ये की पोस्टर शो करता पे इज़ इट दैट ईजी टू टर्न अस अगेंस्ट ईच अदर कहता पे कि इन्ना आसान है एक सानू एक दूसरे के खिलाफ कर देना और यह है भी पोलिटिशियन की करते हैं सानू एक दूसरे के खिलाफ करके अपनी जी निजी स्वार्थों पूर्ति लिए अपने हितों की पूर्ति लिए साडा इस्तेमाल करते हैं संप्रदाय के नाते। अगे देखते हैं कि डॉक्टर डी ई समिथ अनुसार संप्रदायिकता की है। संप्रदायिकता आम तौर पर किसी धार्मिक समूह के सौड़े स्वार्थी वंडात्मक आक्रमणशील दृष्टिकोण जुड़ा जाता है। किस चीज़ में जुड़ा जाता है संप्रदायिकता? संप्रदायिकतावाद जो है बेसिकली है छोटी सोच है, स्वार्थी है, सैल्फिश गेन लिए होंगी है तो वंडात्मक दूसरे को वंड के ता ही तुसी इस तो फायदा चक सकते हो। उस तो बाद आक्रमणशील दूसरे पर हमलावर होंगी है, दूसरे नीवा दिखा के दूसरे को खंडन करके है, इस तरह का दृष्टिकोण होंगे संप्रदायिकतावाद। जिवें कि मैं पहले भी तुहानूं दस्सिया कि संप्रदायिकतावाद बेसिकली की है धर्म नूं अपने धर्म नूं श्रेष्ठ दसदे होए दूसरे दे धर्म नूं नीवां दिखाना, दूसरे धर्म का खंडन करना, दूसरे की बेइज्जती करनी, यह संप्रदायिकतावाद है। अगे चलते हैं संप्रदायिकतावाद के लोकतंत्र के प्रभाव। संप्रदाय के नाते राजनीति दलों का निर्माण, संप्रदाय के नाते असं देखते हैं कि इतिहास चों सानूं पता है किस तरह मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा का गठन संप्रदाय के नाते होया। उस तो बाद अज भी ऑल इंडिया जिहड़ा इतिहाद मुस्लिमीन पार्टी है ये किस तरह एक संप्रदाय के नाते है। कई लोग बीजेपी भी एक संप्रदाय की पार्टी ही मानते हैं। अगला पॉइंट है संप्रदाय के नाते दबाव समूह का निर्माण। हर एक संप्रदाय के लोग अपना अपना दबाव समूह बनाते हैं अपने अपने संप्रदाय के फायदे लिए तो वह निर्माण करते हैं। कुछ एग्जाम्पल है कि इस संप्रदाय समूह के ईसाई भलाई संघ, मसीही दल, जमात इस्लामी, सिख बुद्धिजीवी फॉर्म, बजरंग दल, हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, सनातन धर्म सभा, इस तरह के बड़े सारे संप्रदायक दबाव समूह। उस तो बाद संप्रदाय के नाते वोट मंगना, संप्रदाय नाते चोणों के संप्रदाय के नाते वोट मंगया जाता है। यही नहीं बल्कि यह देखा जाता है कि किस संप्रदाय के लोग किस एरिया ज़्यादा है तो उस हिसाब न ही उस संप्रदाय के जिहड़े कैंडीडेट ही उस एरिया फील्ड किए जाते हैं, खड़े किए जाते हैं ताकि उस संप्रदाय का वोट उसमें मिलन तो वह पार्टी जित सक। अगले पॉइंट चलते हैं संप्रदाय के नाते उच्चिया नियुक्तियां। अगर उच्च नियुक्ति की गल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के राज्यपालों की नियुक्ति, राष्ट्रपति की नियुक्ति, सेनावां की वड्डी नियुक्ति, पुलिस के वड्डे अफसर की नियुक्ति जी होंगी है वड्डे लैवल से वो उस दे विच सारे संप्रदाय ध्यान रखा जाता है और यह भी रखा ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके असी किस संप्रदाय का उन्होंने पोस्टों पर लगाना, किस संप्रदाय नहीं लगाना, एक किस्म का है कि धर्म विशेष का ख्याल रखने वाली गल हो जाती है। इस दे विच अगे चलते हैं अगला पॉइंट है यह है किस तरह रिप्रजेंट करता है संप्रदाय दंगे और देश को तोड़न दे विच संप्रदायिकतावाद किस तरीके अपना अहम भूमिका निभाती है। अगे देखते हैं संप्रदाय नाते नीति निर्माण। कानून बनाते वेले हर एक संप्रदाय को खुश करने लिए, खास करके खास संप्रदाय को खुश करने लिए सरकार कुछ ना कुछ कर दिया। खास करके अगर देखिए तो सरकार ने पिछली सरकार ने किस तरह मुसलमानों को खुश करने लिए उन्होंने निजी कानून से कोई परिवर्तन नहीं किए जो कि एक संप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली गल सी। अगे संप्रदाय नाते असहनशीलता का विकास हो गया।
असहनशीलता की गल करते हैं तो ये किस तरीके नाल छोटी छोटी घटनावां बहुत वड्डा हिंसक रूप धारण कर लेंदियां। मस्जिदों मंदिरों गुरुद्वारा आदि अपवित्र करके संप्रदायिकतावाद की अग बड़ी छेती नाल लगाई जा सकती है, वातावरण बड़ी छेती नाल अशांत किया जा सकता है। ये असहनशीलता है जिस करके एक छोटी जी गल तो भी वड्डे लेवल की हिंसा भड़क उठती है। उस तो बाद अगर चलते संप्रदाय नाथ दंगे फसाद, हूँ आप देख चुके हैं कि संप्रदाय नाथ किन्ने सारे दंगे हुए, आज़ादी तो पहले भी आज़ादी तो बाद भी 2002 के दंगे याद है कि 2008 2013 रिसेंटली, और आए दिन कितने कितने कोई ना कोई छोटी छोटी घटनावां संप्रदाय नाथ देखने मिलती ही रहती है। अगर चलते संप्रदाय नाते खुश करन की नीति भी सरकार अपना रही है, अलग अलग संप्रदाय खुश करने लिए, कि मुसलमानों खुश करने लिए, कि किसी होर धर्म के लोगों खुश करने लिए नीतियां पिछले सरकार ने अपना रही हैं। अगर चलते हैं बहुगिणती संप्रदायिकतावाद का प्रसार, अज का जोड़ा युग है बहुगिणती संप्रदायिकतावाद का युग है, सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, पाकिस्तान हो जाए, अमरीका हो जाए, यूरोपियन देशों भी जी है बहुगिणती जिथे जिस धर्म के लोग भी है उस संप्रदायिकतावाद फैल रही है। और बहुगिनती की जी संप्रदायिकतावाद होंगी बड़ी कष्टदायक होंगी, बड़ा खतरनाक होंगी है, जो कि सिर्फ एक तरह के सभ्याचार, एक तरह के राष्ट्र, एक तरह के कल्चर, एक तरह के लोगों की गल करते। इस नाल यह होंगे है कि घट गिनती के लोग जोड़ा है बड़ा असुरक्षा महसूस करते हैं, तो उन्होंने ये असुरक्षा की भावना उन्होंने डर की भावना पैदा करती है, और उस डर की भावना करके कितने कितने वो उस अपने आप को देश के अलग थलग महसूस करते हैं। संप्रदाय को खुश करने की नीति भी जी बहुत सारे पार्टियां ने अपनाई बड़ी गलत है, और इन सारी चीज़ों का लोकतंत्र पर बड़ा भैड़ा प्रभाव पैदा है। अगर अगे चलते हम गल करते हैं संप्रदायिकतावाद सिट्टे वजों गल करिए, तो एक वड्डी चुनौती है, बहुत वड्डी चुनौती है। इनफैक्ट ये जहर दे वांग फैली जा रही है साडे समाज दे विच, ते आए दिन असी एक दूसरे दे विच डिस्ट्रस पैदा कर लिया, अविश्वास पैदा हो गया, असी एक दूसरे नूं देख के नफरत की भावना मन नाल घिर गए, जबकि असी सब तो पहला इंसान है कि बाद दे विच किसी धर्म जाति नाल संबंध रखते हैं, पर अज कोई हर कोई एक दूसरे नूं शक दी निगाह नाल वेखता है, किसी की टोपी करके उसकी शक दी निगाह नाल देखी जाती, किसी दाढ़ी करके, किसी तिलक दे करके उसनूं शक दी निगाह नाल देखा जाता है। जिवें कि पहला भी तुहानूं दस्सिया कि हिंदुस्तान जिहड़ा है या भारत जिहड़ा है ये मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चर मल्टीलिंगुअल देश है, और असं सारे मिलकर ही भारत एक देश बनाता है जिदा कि इस पिक्चर से भी रिप्रजेंट किया है, हिंदुइजम, जैनिज़म, बुद्धिज़म, सिखिज़म, इस्लाम एंड क्रिश्चनैटी, और इन्हें एक अल्फाबैट लैके असी इंडियन बनते हैं। असी सारे इंडियन हैं, भावें जिस मर्जी जाति धर्म के हैगे, असी सारे भारती हैगे। देश जी है वह सब तो पहला होनी चाहिए है, धर्म जोड़ा है या संप्रदाय वो साडा इंटरनल मैटर है, उसनों असी छोटी सोच ना बनाते हुए दूसरे नीवा ना दिखाईए, तो असी मिलजुल के ही अगे देश तरक्की दे रस्ते ले जा सकते हैं। जे लोकतंत्र ने साडे देश दे विच सफल होना है तो संप्रदायिकतावाद को खत्म करना पड़ेगा, इस जहर को खत्म करना पड़ेगा, और मजहब जिहड़ा है, धर्म जिहड़ा है, ये पर्सनल मैटर तक ही सीमित रहे, ते और संविधानिक तौर पर भी साडा जिहड़ा देश है वह धर्म निरपक्ष देश है, और सारयां नूं धार्मिक स्वतंत्रता है फंडामेंटल राइट्स के तहत। इसलिए संप्रदायिकतावाद को असी सारे मिलकर त्यागीए, और जिहड़े इस नहीं त्यागते पे जिहड़े कट्टर बने बैठे ने असी उन्हां नाल भी प्यार भरे रिश्ते कायम करके उन्हां नूं भी सही रस्ते ते लेके आईए। धन्यवाद, ये अज दा वीडियो है, थैंक यू, बेस्ट विशेस, होप है कि वीडियो तुहानूं पसंद आएगा, और दोस्तों ये सारे पॉइंट जरूर लिख के देखो, और जिदा कि मैं तुहानूं कहिंदा जदों किसी चीज़ नूं लिखते हो तो वह ज़्यादा देर तक तुसी याद रख सकते हो, तो जदों भी लोड़ पैंदी तुसी रिकॉल कर सके ईजली लिख सकते हो। इस नूं अपने दोस्तों नाल शेयर करो, लाइक करो, वीडियो नूं सबसक्राइब करो, और गुड लक, बेस्ट विशेस, मिलते हैं आप नैक्सट वीडियो से, थैंक यू, गॉड ब्लैस यू।